बताइए आवास हम किसे कहते हैं वह परिवेश जिसमें जीव अपना जीवन यापन करते हैं उसी को आवास कहते हैं देखिए सबसे पहले राजस्थान का बहुत बारीकी से और ध्यान से देखेंगे नहीं तो सब भूल जाता है यहाँ से राजस्थान में कैसे घर होते हैं मिट्टी के घर होते हैं मिट्टी के घर इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे वर्षा बहुत कम होती अब सोच लीजिए कि राजस्थान में धूप बहुत ज्यादा होती है अगर पक्का घर बनाया जाएगा तो उसमें रहना क्या होगा एकदम मुश्किल हो जाएगा पक्का घर यहाँ पे रहना जहाँ पे रेगिस्तान उगिस्तान नहीं है गर्मी कैसे बीतती है गर्मी जैसे लगता है कि आप कमरे में रहेंगे तो जैसे लगता है कि आग जल रही ऐसा समय आता है ना एक बार तो वहाँ पे तो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो इसलिए वहाँ पे घर किस चीज के बनाए जाते हैं मिट्टी के थोड़ा कंसेप्ट के साथ याद करेंगे रटेंगे नहीं राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं इनकी दीवारें अब देखिए अपनी दीवार जो मिट्टी की दीवारे हैं पहले की दीवारें हैं उनको सोच लीजिए कि कितनी मोटी मोटी होती थी गांव में आज भी एक दो लोगों के घर जरूर होंगी और अगर उसमें आप रहते हैं तो बल्कि पक्का वाले से अच्छा लगता है, है नहीं है? तो दीवारें उसकी कैसी होती है मोटी होती हैं और छते कैसी होती हैं कटीली झाड़ियों तो देखिए दीवार मोटी और छते कटीली झाड़ियों की होती है और वर्षा बहुत कम होती है यह कहाँ के घर की विशेषता है राजस्थान अब राजस्थान में कुछ तालाब भी होते हैं वो भी बहुत ज्यादा फेमस हैं तो देखिए राजस्थान के जैसलमेर में 650 वर्ष पुराना घड़सी सर देखिए आप संस्कृत में सरह माने क्या पढ़ते हैं सर माने तालाब सरह से संबंधित आपके एग्जाम में पैसेज भी आया तो आप मतलब अगर सारा ही नहीं जान पाएंगे तो उस पैसे को कहाँ सॉल्व करेंगे नहीं कर पाएंगे तो छोटी छोटी चीजें आपको जानना है छह वर्ष पुराना घड़सी सर है सर का अर्थ क्या होता है तालाब यहाँ पानी के स्रोत बाबड़ी जैसे हमारे यहाँ तालाब हो गया ठीक है या पोखरा कहते हैं वैसे वहां पर भी पोखरे इत्यादि को क्या कहते हैं बाबड़ी तालाब नौला और धारा जहां पे पानी क्या रहता है एकत्रित रहता है जैसे पोखरा है वैसे ही बाबड़ी तालाब नौला और धारा है बाबड़ी को सीढ़ीदार कुआं कुआ भी कहते हैं बाबड़ी को क्या कहते हैं सीढ़ीदार कुआ भी कहते हैं ठीक है इसके बाद राजस्थान के जोधपुर में उन्नीस में सूखा पड़ा था तो इन्हीं बाबड़ियों को प्रयोग में लाया गया था राजस्थान में टांका बनाकर बारिश का पानी क्या किया जाता है इकट्ठा करने का एक खास तरीका है तो टांका का भी मतलब वही होगा कि कुछ जैसे पोखरा इत्यादि बनाते हैं उसी तरीके से कुछ बना के वहाँ पे पानी को क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं इसके बाद ये तरुण भारत संघ यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आया है ये पुराने तालाबों की मरम्मत करना और नए तालाबों का निर्माण करना यह किस संघ की जिम्मेदारी थी तरुण भारत संघ ये तरुण भारत संघ नाम का जो संस्था है जैसे कुछ संघ बने जो पेड़ पौधों को बचाते थे तो कुछ संघ ऐसे भी हैं जो तालाबों को क्या करते थे बचाते थे पुराने तालाब हैं तो सरकार की मदद लेकर या जो है समाज की मदद लेकर उसका क्या करते थे मरम्मत और कहीं पे नए तालाब के निर्माण की आवश्यकता है तो उसको भी ये लोग करने का प्रयास करते थे ऐसे ही संघ को हम क्या कहते हैं तरुण भारत सन ठीक है इसके बाद अगला आ जाएगा असम ये सबसे ज्यादा अगर किसी का घर पूछा है तो असम का घर पूछा है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे देखिए कहीं पर भी बांस के खंभों के घर के बारे में बात आएगी तो आप जान जाएंगे कहाँ की है असम अब बांस के खंभों पर इतना ऊपर घर क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी अपने दिमाग से आप सोच सकते हैं कि मतलब इतना ऊपर घर बनाने की आवश्यकता क्या है इसका मतलब चाहे असम हो चाहे मेघालय हो चाहे सब कोई भी राज्य उधर के हो तो वहाँ पे बारिश क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश ज़्यादा होने के कारण यानी अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जो होते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं असम में बहुत बारिश होती है बारिश की वजह से यहाँ के घर जमीन से 10 से 12 फीट अब ये 10 से 12 फीट तो 12 फीट का मतलब है कि कैमीटर तीन मीटर ना? मीटर? तीन तीन से साढ़े तीन तो 12 फीट का मतलब कई मीटर बताइए एक मीटर में तीन फीट, ठीक तो कै फीट हो जाएगा चार तो तीन से साढ़े तीन या चार मीटर तक अगर है तो समझ जाइए कि अगर बांस का घर है तो वह कहां का है असम का है ठीक है तो जमीन से दस से बारह फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं ठीक है इसके बाद एक क्वेश्चन आता है मेलन गांव असम में है ठीक है एक आक बार केवल आया है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है बस एक दो बार पढ़ना है अगर याद हो गया तो ठीक है मेलन गांव कहाँ पे है असम में है असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है जो सबसे ज्यादा फेमस ठीक है, है? बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं उरुका जैसे होली से पहले दिन की शाम को हम होलिका दहन कहते हैं ठीक है वैसे बिहू से एक दिन पहले का दिन जो होता है जो शाम होती है जब हम लोग होलिका जलाने जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं उरुका और उरुका में भेला घर को क्या किया जाता है जैसे हम लोगों के यहाँ होलिका दहन किया जाता है तो वहाँ पे भेला दहन किया जाता है तो इन शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि असम में बिहू त्यौहार होता है और बिहू त्यौहार के एक दिन पहले वाला जो दिन होता है शाम होता है उस दिन को हम क्या कहते हैं उरुका कहते हैं और उस दिन जैसे हम लोग होलिका दहन करते हैं वो लोग भेला दहन करते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए इस दिन से असम में नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है यह फसल पकने की खुशी यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा है कि मतलब बिहू त्योहार क्यों मनाते हैं तो फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है जनवरी माह के मध्य में भोगाली बिहू मनाया जाता है इसे माघ बिहू भी कहते हैं तो नाम केवल बिहू ही याद रखना है लेकिन ये याद रखना है कि फसल कटने के या फसल पकने के बाद मनाया जाता है इसके बाद अगला घर आ गया जिसका नाम क्या है इग्लू अब असम वाला क्या हो गया खत्म अब आ गया इग्लू इग्लू का मतलब क्या है बर्फ के घर जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है इन बर्फ के घरों को हम क्या कहते हैं इग्लू कहते हैं अब इग्लू मतलब बर्फ का घर ये तो आपको पहले से ही पता है पता आपको ये रहना चाहिए कि यह घर ज्यादातर कहाँ पे बनता है उत्तरी अमेरिका की ग्रीन लैंड के आर्कटिक क्षेत्र में अब यही मुश्किल चीज है कि एक उत्तरी अमेरिका होता है और एक दक्षिणी अमेरिका तो ऐसे याद कर लेंगे कि इग्लू वाला ऊपर वाले में बनता है तो ऊपर वाले का मतलब उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में एक शहर का नाम एक जो है देश का नाम क्या है ग्रीन लैंड तो ग्रीन लैंड में बनता है और ग्रीन लैंड के किस क्षेत्र में आर्कटिक अब जैसे आप जब भी ग्लोब देखते हैं तो आर्कटिक रेखा ऊपर होती है और एक रेखा साढ़े छाछ डिग्री नीचे होती है तो आर्कटिक जो रेखा होती है वो ये आर्कटिक रेखा इसी से होकर क्या होती है गुजरती है तो आप आर्कटिक तो ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ग्लोब में या संसार में ऊपर वाली रेखा जो साढ़े छाछठ डिग्री है उसे आप क्या कहते हैं आर्कटिक ठीक है तो ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है निवास करने वाली एक्सिमो जनजाति के आवास हैं तो अब आपसे पूछ सकता है कि इग्लो के घर जो होते हैं बर्फ के घर जो होते हैं उसको कौन सी जनजाति प्रयोग करती है तो आप बता देंगे एस्कीमो एस्कीमो ठीक है तो आप बता देंगे कि एस्कीमो जनजाति जो है इग्लू या बर्फ के घर में रहती है अब यहाँ पे देखिए एस्कीमो लोग हड्डी खाल बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबद नुमा मकान बनाते हैं शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की क्या है मजबूती जितना ज्यादा ठंड पड़ेगा उतने कम बर्फ पिघलेगी और उतने घर क्या रहेगा सेफ रहेगा अगर पता लगे कि अचानक ग्लोबल वार्मिंग वॉर्मिंग के कारण एकदम गर्मी होने लगी तो उसी में दब जाएंगे ठीक है या तो पिघलना शुरू होगी धीरे धीरे तो बर्फ को जानते ही हैं कि एक के ऊपर एक क्या किए रहते हैं रखे रहते हैं और कुछ तो उसमें है नहीं इग्लू के अंदर की तरफ दीवारों तथा फ्लोर पर सील मछली की क्या लगाई जाती है खाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इग्लू घर में किस मछली की खाल लगाई जाती है तो सील नामक मछली की खाल लगाई जाती है इससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं ये देखिए सील नामक जो मछली होती है उसको हम समुद्री शेर या सी लायन कहते हैं इसी की खाल को इस इग्लू मकान के चारों तरफ दीवार में अंदर क्या करते हैं लगाते हैं ताकि मकान अंदर से क्या रहे गर्म रहे और दीवाल व खाल के मध्य जो है रिक्त स्थान छोड़ा जाता है इस रिक, रिक्त रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है ठीक है वो समझ लीजिए कि एक इंसुलेटर का काम करता है कि मतलब वहां पे ठंडी हवा है ना तो जो है गर्म हवा उधर जाएगी ना तो ठंडी हवा उधर उसी में जाके अपना जीरो तलाब थर्मोडाइनमिक्स आप पढ़े ही होंगे उसी से वो संतुलित कर लेगी ठीक है इसके बाद अगला है लेह लद्दाख ठीक है तो अब देखिए लेह लद्दाख के घर कैसे होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आया है कि नहीं ये दो जरूर याद रहने चाहिए असम और लेह लद्दाख तो यहाँ लेह लद्दाख में वर्षा क्या होती है कम होती है और इनके घर की जो निचली मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं होती है ठीक है जैसे यहाँ पे एक घर दिखाया गया है जो निचली मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं होती है ठीक है यहाँ पे तो दिखा दिया गया है लेकिन ले लद्दाख में देखिए ले लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है यहाँ घरों की निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है ठीक है लेह लद्दाख आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होगी क्योंकि तिब्बत के एकदम तिब्बत से क्या है सटा है ये भी रेगिस्तानी इलाका ही मान लीजिए तो इसलिए यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है, और निचली मंजिल में किन चीजों को रखा जाता है जानवरों को रखा जाता है और इनके जो छत होते हैं छत बनाने में पेड़ों के मोटे तने प्रयोग में लाए जाते हैं और छतें कैसी होती हैं समतल सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ की छतें कैसी होती हैं समतल होती है कहाँ की छतें लेह लद्दाख की और छतें जो हैं वह देखिए पेड़ के तने के बन रहे हैं यहाँ पे पक्का वाला नहीं है बल्कि क्या है पेड़ के तने से मोटी मोटी तनों को काट कर एकदम सेप में क्या करते हैं छत बनाते हैं और छतें कैसी होती हैं समतल समतल का मतलब है ढालू नहीं होती है स्लोप नहीं एकदम सीधा होता है जैसे ये सब हम लोगों का छत है ऐसे ही लकड़ी के जो है पेड़ों के मोटे तने से बनाया जा जाता है यहाँ के घर जो कैसे बनाते हैं पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए जाते हैं उस पर मिट्टी और चूने की क्या की जाती है पुताई की जाती है अब यहाँ पे देखिए ये घर है पत्थर को एक के ऊपर एक क्या किया गया है रख कर बनाया गया है ऊपर आप छत देखेंगे तो छत किस चीज की बनी है लग रहा है ना लकड़ी की बनी है तो यह पेड़ के मोटे तनों से छत बनाया गया है नीचे वाले में कोई दरवाजा वजह जो है खिड़की जो यहाँ पे दिखा दी गई है ये खिड़कियां यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए तो नीचे वाले मंजिल में कोई खिड़की नहीं रहती है बस एक तो दरवाजा रहता है जिसमें जानवरों को क्या किया जाता है रखा जाता है ठीक अब सबसे इम्पोर्टेंट कि चांग थांग इलाका के चांगपा घुमंतु लोग और पसमीना साल ये चांगपा घुमंतु लोग और पसमीना साल भी कहां से संबंधित है ले लद्दाख से संबंधित है ठीक है अब जैसे लेह लद्दाख में जब 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे कितनी ऊंचाई पर जाएंगे 5000 हजार मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो एक बहुत सुनसान पथरीली मैदान मैदानी इलाका मिलेगा जहां पे बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे तो जो बहुत कम लोग हैं उन्हीं को चांगपा घुमंतु लोग कहते हैं और इस क्षेत्र को अब इस इलाके को हम क्या कहते हैं चांग थांग कहते हैं चांग थांग का अर्थ ही है कि जहां पे बहुत कम लोग ये जहां पे बहुत अभी क्षेत्र तिब्बत से क्या है सटा है तिब्बती भाषा है इस तिब्बती भाषा को अगर हिंदी में आप करेंगे तो उसका मतलब है कि जहाँ पे बहुत कम लोग हों उसी को आप क्या कहेंगे चांग थांग कहेंगे यहाँ पर चांगपा घुमंतु लोग रहते हैं जो एक खास तरह की बकरियाँ क्या करते हैं पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन प्राप्त होती है और जिससे पसमीना साल बनती है। तो अब अगर आपसे पूछ लिया कि पसमीना साल जो है किन बकरियों से बनता है तो पसमीना बकरी कह सकते हैं और उन पसमीना बकरी को कौन लोग पालते हैं चांगपा घुमंतु लोग जो कहाँ के हैं लेह लद्दाख के हैं और लेह लद्दाख में चांग थांग इलाके के हैं जो जो एकदम जमीन से कई हजार मीटर ऊपर है पाँच हजार मीटर ऊपर है और एक पसमीना साल जो होती है वो स्वेटरों के बराबर क्या करती है गर्म करती है और एक पसमीना साल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं 250 तो ये 250 आपको याद रहना चाहिए ठीक है और स्वेटर भी क्या रहना चाहिए याद रहना चाहिए एकदम एग्जैक्ट एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक पशमीना साल स्वेटर के बराबर गर्म करती है और एक पसमीना साल बनाने में ढाई घंटे लगते हैं इसके बाद अब ये चांग थांग देखिए ये लोग यहाँ पे आप 5000 मी, मीटर ऊपर हैं तो ये सुनसान एरिया है ठीक तो अब ऐसा तो है नहीं ऊपर जाके और ये सब वहाँ पे घर बना ले तो घर नहीं बनाते हैं बल्कि ये सब किस में रहते हैं टेंट में इनके टेंट ही इनके क्या होते हैं घर होते हैं तो देखिए घुमंतु लोगों के घर टेंट में होते हैं ठीक है घुमंतु लोगों के घर किस में होते हैं टेंट में होते हैं चांगपा अपना सामान घोड़े व याक पर लाद कर घूमते हैं इनके टेंटों को क्या कहते हैं रेबो कहते हैं इनके जो टेंट ऐसे टेंट लगा के आप देखते हैं फिल्मों इत्यादि में कोई जंगल उंगल में जाता है तो टेंट लगा के उसी में क्या करता है रहता है तो उन टेंटों को चांगथांग वाले टेंटों को चांगपा घुमंतु लोगों के टेंटों को हम क्या कहते हैं रेबो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेबो के पास भेड़ बकरियों की जगह होती है जिसे क्या कहते है? हैं लेखा कहते हैं यानी कुल मिला जुला के जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनका टेंट यहाँ पीछे सफेद सफेद दिखाई दे रहा है कि नहीं तो इन टेंट को हम क्या कहेंगे रेबो कहेंगे टेंट को क्या कहेंगे रेबो अब टेंट में खुद सोएंगे और इनकी बकरियों के लिए वहीं बगल में एक और स्थान बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं लेखा कहते हैं ये रेबो और लेखा दोनों स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जिसमें वे लोग रहते हैं उसे लेखा कहते हैं और जिसमें बकरियां रहती हैं उसे रेबो कहते हैं तो आपको फंसाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि टेंट ही क्या है रेबो यानी घर ही क्या है रेबो है और जो बकरियों का घर है बकरियों का रहने का स्थान है उसे क्या कहेंगे लेखा कहेंगे ठीक है उसके बाद ये भी क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा है कि लद्दाख में माँ को आमा ले कहते हैं तो देखिए अम्मा हम लोग कहते हैं ना कभी तो माँ को अम्मा से याद कर लीजिए आमा ले और पिता को क्या कहते हैं आवा ले ठीक है उसके बाद अगला है कि यहाँ पे स्वागत को क्या कहते हैं झूले झूले ये भी याद रखिए कि कहा की बात हो रही है ले लद्दाख नहीं पूरा पढ़ेंगे और बात कहाँ की हो रही याद नहीं है तो फिर यादें नहीं होगा लेह लद्दाख में स्वागत को क्या कहेंगे झूले झूले आप अगर जाएंगे और उसके बाद उन लोगों का कोई मान लीजिए पश्मीना साल और खरीद लिए एक एक लाख का एक एक साल आता है ठीक है तो उसके बाद आप पश्मीना साल खरीदे तो वो सब कहेंगे भैया झूले झूले ठीक तो मतलब बहुत बहुत आपका धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत आपका इस कीटो पुल गांव लद्दाख में है तथा लद्दाख में स्वागत को झूले झूले कहा जाता है यहाँ का तापमान जीरो से माइनस चालीस ठीक है माइनस चालीस डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जिसपे डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों तापमान क्या होता है बराबर होता है ये भी क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे कि जीरो से माइनस चालीस समझ लीजिए कि हमेशा बहुत ज्यादा यहाँ पे चला जाता है तापमान अब यहाँ पे चांग थांग का मतलब बताया गया है कि चांग थांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं ठीक है तो एक कहाँ की बात हुई है ले, ले लद्दाख अब हम लोग कहां पे आ गए बिहार में बीपीएससी 3.0 बिहार में, में मधुबनी नामक एक जिला है ये सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में एक मधुबनी नामक एक जिला है जहाँ की मधुबनी चित्रकला बहुत ज्यादा क्या है प्रसिद्ध है जहाँ त्योहारों और खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में क्या किए जाते हैं जैसे हमारे यहाँ भी शादी विवाह पड़ता है तो हम लोग दीवार में शुभ विवाह इत्यादि दो तीन तो शायरी वायरी जो है खूब अच्छे से जीजा उजा वाला तो क्या करते हैं लिखते ही हैं तो वही काम बिहार में भी होता है बिहार में भी दीवारों पर और आंगन में चित्रकारी किया जाता है और उस यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल देखिए यही इंपॉर्टेंट है पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं ये रंग बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है हल्दी नील फूल व अन्य पेड़ पौधों आदि के रंग का प्रयोग आप कह सकते हैं कि पीस के चावल आप पीस पिसा हुआ चावल लिए हैं इसके अलावा सारी प्राकृतिक चीजें हम मिलाते हैं कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं ऐसा दिमाग में रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा कि हल्दी नील फूल और अन्य पेड़ पौधे तो ये मधुबनी चित्रकला जो है कहाँ के लिए प्रसिद्ध है बिहार के लिए एक घर के दीवार और आंगन में बनाया जाता है कोई भी खुशी का जैसे बर्थडे वर्थडे है तब भी क्या किया जाता है बनाई दिया जाता है हैप्पी बर्थडे ठीक है तो ये रंग बनाने के लिए हल्दी नील फूल और अन्य पेड़ पौधों आदि का प्रयोग किया जाता है बोचाह गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है तो ये सारी चीजें जो लिखी हैं कभी ना कभी आपके एग्जाम में सीटेट में आया है लेकिन इसपे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है याद हो जाएगा तो ठीक है देखिए कितनी अच्छी चित्रकारी होती है फोटो में देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो वास्तव में देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा ठीक है इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश के जगह पे आप क्या आने लगा है तेलंगाना आने लगा है ठीक है तेलंगाना तो ये समझ लीजिए कहाँ की बात हो रही है तेलंगाना तेलंगाना में पोचम पल्ली नामक साड़ियाँ क्या हैं प्रसिद्ध हैं ठीक है तो ये तेलंगाना के यहाँ पे आप पढ़ेंगे तेलंगाना के पोचम पल्ली जिले के मुख्तार गांव में अधिकतम परिवार क्या है बुनकर है यहां की बुनाई को पोचम पल्ली नाम से जाना जाता है पोचम पल्ली साड़ियां दुनिया भर में क्या है प्रसिद्ध है पोचम पल्ली व कलमकारी साड़ियों की तरह ही कुल्लू साल बहुत इंपॉर्टेंट है कुल्लू साल कहाँ के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कुल्लू साल भी वैसे पश्मीना साल की तरह ही मानी आती है तो उतनी मांगी नहीं लेकिन मांगी आती है कहाँ के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश असम सिल्क असम के लिए मधुबनी पेंटिंग बिहार के लिए कश्मीरी कढ़ाई कश्मीर के लिए जैसे ये सब अपने अपने जगह पे फेमस हैं वैसे ही पोचम पल्ली तेलंगाना में क्या है फेमस बस यही चीज यहाँ पे आपको याद रखना इसके बाद अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं आया तो आंध्र प्रदेश क्या करेंगे सही कर देंगे इसके बाद अगला पॉइंट देखिए यही की बात हो रही है आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में आत्रेयपुरम गांव है यहाँ आम के बाग हैं यहाँ पके आमों का आम पापड़ बनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं मामड़ी तांड्रा तो आपको याद बस यही रखना है कि आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है मामड़ी तांड्रा एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा इसके बाद आंध्र प्रदेश की ही बात हो रही है गोलकोंडा जिला या गोलकुंडा जिला हैदराबाद में है यहाँ सन पंद्रह 15 से पंद्रह अठारह से सोलह तक कुतुबशाही शाही सुल्तानों ने राज किया औरंगजेब की फौज यहाँ हमला करने आई थी सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन थे थी, ठीक है ये आपका कौन सी साड़ी है ऑनलाइन मिलेगी ठीक है आज से ही जाके परेशान करना शुरू करें इसके बाद अगला है जम्मू कश्मीर ठीक है अब हम लोग कहाँ पे आ गए जम्मू कश्मीर देखिए इधर ध्यान दीजिए जम्मू कश्मीर में पक्के सीमेंट से बने मकान है कश्मीर के हर गली में एक बेकरी होती है बेकरी जहाँ पे पाव रोटी इत्यादि बनती है उसी को हम क्या कहते हैं बेकरी पाव रोटी का कारखाना समझ लीजिए ठीक है इंडस्ट्री समझ लीजिए कश्मीर के हर गली में एक बेकरी खुली है कश्मीरी लोग अपनी रोटी घरों में नहीं बनाते बल्कि यही बेकरी से क्या करते हैं लाते हैं समझ ये समझिए बिलरिया भी कश्मीर है ठीक <laughs> यहाँ पर भी हर रोड पे एक जो है और रोटी कौन नान रोटी क्या कहा जाता है नान वाला रोटी जो है बनाने वाले मिलते हैं तो वही बेकरी समझ ली ठीक है तो जम्मू कश्मीर के हर गली में क्या है बेकरी खुली है कश्मीरी लोग अपनी रोटी घरों में जल्दी नहीं बनाते हैं बल्कि यही बेकरी से खरीद कर लाते हैं अब देखिए यहाँ के घर बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है कश्मीर के गाँव में पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर घर बनाए जाते हैं। अब देखिए पत्थरों के घर कहीं और बनाए जाते थे। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया एक बार और क्या करना होता है पढ़ना होता है। ठीक पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं दीवारों पर मिट्टी की पुताई एवं लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इन घरों की छतें कैसी होती हैं ढलवा होती हैं देखिए छत जो ढलवा हम लोग जैसे करकट रखते हैं ढलवा वैसे ही ढलवा छते कहाँ की होती हैं जम्मू कश्मीर की और घर किस चीज के बनते हैं पत्थर पत्थर और ढलवा छते ठीक है इसके बाद यहाँ पे जो चाय होता है उसको क्या कहते हैं कहवा वैसे तो रियल में कहवा मतलब कॉफी होता है लेकिन जम्मू कश्मीर में चाय को ही क्या कहते हैं कहवा कहते हैं जैसे वहां का लोकल लैंग्वेज है कोई दिक्कत नहीं इसमें इलायची और बादाम इत्यादि भी क्या करते हैं डालते हैं तो मान लीजिए चाय में इलायची तो डालते ही हैं वहाँ पे एक चीज़ स्पेशल डाली जाती है बादाम हम लोग जा पूछेंगे कितने का कहेंगे पच्चीस का हम लोग कहेंगे नहीं पी ठीक उसके बाद अगला है श्रीनगर ठीक है श्रीनगर में कौन से घर होते हैं हाउस बोट बहुत इंपॉर्टेंट है हाउस बोट देखिए बस एकदम ये वाला पार्ट खत्म होने वाला है ध्यान देंगे श्रीनगर के घर कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे हाउस बोट इसमें बाहरी टूरिस्ट रहते हैं जैसे कोई टूरिस्ट आता है तो होटल इत्यादि खोजता है रहने के लिए ना तो केरल में जब जाते हैं तो समझिए कि पर्यटक पहले क्या खोजते हैं कि लाइए आज हाउस बोट में रहेंगे ठीक है मतलब वो एक्साइटमेंट रहता है कि आज हाउस बोट में रहेंगे मतलब तैरते हुए घर में रहेंगे बाहरी टूरिस्ट रहते हैं इसकी लंबाई अस्सी फुट चौड़ाई आठ से नौ फुट ये कभी पूछा नहीं है इसकी छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी देखिए छत पर ये लकड़ी की सुंदर नक्काशी रहती है और अंदर से भी रहती है इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि यहाँ के पुराने घरों में बाहर की ओर उभरी हुई खिड़कियाँ लगी होती हैं जिन्हें हब या डब कहते हैं ठीक है तो ये जो खिड़कियाँ उभरी हुई लगी हैं ये सब पहले की जो हाउस बोटे हैं पुरानी वाली तो इन्हीं को हम हब कहते हैं कभी कभी ऑप्शन में डब भी आता है ठीक है तो ये जानते रहिएगा कि केवल इतना जानिए कि हाउस बोट कहाँ पे है श्रीनगर ठीक है इसके बाद लकड़ी के डोंगे तो जो छोटी छोटी नाव होती है उसको वहां पे लकड़ी के डोंगे कहे जाते हैं बोट की तरह दिखते हैं ये डोंगे श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में तैरते हैं इन डोंगो में परिवार रहते हैं तो ये ज्यादातर ये सब पूछे नहीं जाते मनाली वाला क्वेश्चन बार बार पूछा है बहुत छोटा सा है लेकिन बार बार पूछता है क्योंकि इसमें भी हम लोग कन्फ्यूज होते हैं न क्योंकि यहाँ का भी घर कैसे बनता है पत्थर से इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन वाला है तीन जगह का घर हो गया देखिए मनाली कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में मनाली एक पहाड़ी इलाका है यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनाली का जो घर होता है वो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं यहाँ भी बहुत क्या होती है बारिश होती है तथा बर्फ पड़ती बस यही पॉइंट इतना आपके ऑप्शन में बार बार पूछेगा कि पत्थर या लकड़ी का घर कहाँ पे बनता है मनाली में और जो है यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ भी पड़ती है ठीक है इसके बाद मिजोरम ठीक है तो मिजोरम का है कि बांस से बने यहाँ पे कप होते हैं और खेती के लिए क्या लगती है लॉटरी मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है मिजोरम में बांस से बने कप होते हैं आप बांस से बने कप की बात ज्यो करेगा त्यों आप कहाँ पे पहुंचेंगे मिजोरम अब ऐसा नहीं है कि बांस से बने कप की भी बात करें तो असम ही मार दे क्योंकि वहां बांस से बने क्या थे घर गर. और यहाँ पे बांस से बने कप हैं जिसमें हम चाय पीते हैं ठीक है बांस से बने कप भी आते हैं बांस से बने ब्रश भी आते हैं जो ब्रश होता है ब्रश और बांस से बना जो रहता है वो बहुत ज्यादा सही रहता है हमारा ब्रश देखे होंगे वही है ठीक है वो मतलब आप कोई भी ब्रश करते हैं तो कभी कभी मंजन रिएक्शन करके छील उल देता है पूरा निकल जाता है उससे वो नहीं दिक्कत होती कभी दाँत में जल्दी दिक्कत नहीं होती मिजोरम में खेती की क्या लगती है लाटरी निकलती है जमीन को साझा मानकर लोगों को बारी बारी से उस जमीन पर खेती का मौका मिलता है एक तीन जमीन का मतलब एक तीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं इसके बाद झूम या स्थानांतरित खेती के बारे में आप पहले ही क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे एक बार जल्दी से देख लेंगे कि झूम खेती मिजोरम में होती है यहाँ एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक खाली छोड़ दिया जाता है उसमें खेती नहीं करते हैं फिर उस जगह बांस या जंगल उग जाते हैं फिर ये लोग इन बांस या जंगल को उखाड़ते नहीं बल्कि उन्हें गिराकर जला देते हैं और यह बाद में किसका काम करता है खाद का काम करता है देखिए यहाँ पे वो काम चल रहा है ठीक है इसके बाद पूरा व्यवस्था होगा इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चेराओ नृत्य ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा है ये भी फसल के पकने के बाद यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है सभी एक साथ खाना बनाते व खाते हैं फिर चेराव नृत्य करते हैं कहाँ पे मिजोरम की ही बात चल रही इस नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर ये चीज इंपॉर्टेंट है बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठी रहती है और ढोल की तान पर डंडियों को जमीन पर क्या करते हैं पीटते हैं देखिए यहाँ पे बांस की दो डंडी लेकर जमीन पर पिटैया चल रही है अगर पैर उर कहीं पे फंसा तो डांस और अच्छा रहेगा ठीक उसके बाद अगला आ जाएगा केरल ठीक है केरल में बल्लम की लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब इस चीज को ऐसे ही याद रख सकते हैं केरल में मतलब बल्लम की लकड़ी की एक छोटी सी नाव बनाई जाती है जिस नाव का क्या नाम होता है फायरी नाव केरल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फायरी नाव का प्रयोग किया जाता है या बल्लम की लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है ठीक है उसके बाद को, आ, कोजी कोजिकोट केरल में है और मल्लापुरम गांव भी कहाँ पे है केरल में है तो यहाँ पे देखिए कुछ जमोरियन जो राजा हो जाते हैं सब केरल के जिसे पहले कालीकट कहा जाता था उसी के बारे में लिखा गया है इसके बाद देखिए केरल के निकटवर्ती राज्य ये क्वेश्चन बहुत बार आया है केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं तमिलनाडु कर्नाटक है अब यहाँ पे एक चीज यहीं पे जान लीजिए इसको तो इस तरह से करने से कुछ याद तो होगा नहीं जैसे मैप है मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर है ठीक है इसको आपको कम से कम दस बार या सुबह उठते ही एक बार मैप देखना है मैप कैसे देखना है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के इधर उत्तर प्रदेश है कि इधर उत्तर प्रदेश है कि ऊपर है कि किधर है अब कह देगा कि मानचित्र में आपको मानचित्र से एक क्वेश्चन जरूर आता है ठीक है आप घर पे जाके देखेंगे कि अगर पूछ लेगा कि उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश किधर है तो आप देखेंगे उत्तराखंड यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यहाँ पे अगर उत्तर ऑप्शन में दिया है तो उत्तर है और उत्तर नहीं दिया है अगर ऐसे आप बनाएंगे तो उत्तर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा तो उत्तर पश्चिम उत्तर होगा मानचित्र से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और यहाँ पे जैसे मानचित्र तो रटाया जा नहीं सकता अगर एक दिन बताया भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं उसका आपको मानचित्र देखना है एक दो क्वेश्चन इतने आसानी से आप पर्यावरण के कर लेंगे कि कहने वाली बात एकदम आसानी से तो इसलिए मानचित्र सुबह उठ के एक बार जरूर देखना है फिर देखिए गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं ऐसे पूछ लेगा कि गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच खाली स्थान राज्य पड़ते हैं अब चार ऑप्शन दे दिया अब आपको पता होना चाहिए ना कि जब यहाँ से गुजरात से आप जाएंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ेगा गोवा पड़ेगा ऑप्शन में तो कुछ दे सकता है ना तो इस क्वेश्चन से काम इस लाइन से काम नहीं चलेगा क्योंकि और भी राज्य पड़ते हैं गोवा से केरल तक रेल के रास्ते से बावन सुरंग बानवे सुरंग और 200 पुल पड़ते हैं उसके बाद तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है इसके पड़ोसी राज्य केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है ज्यादातर यही पूछा है दक्षिण भारत वाले सारे इसके बाद देखिए बल्लम की लकड़ी के फैरी नाव बनते हैं कहाँ पे केरल में और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है तो मलयालम और यहां पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट केरल में टैपी ओका जमीन के नीचे उगाया जाता है यह एक प्रकार का क्या है फल है ठीक है जिसे केरल के लोग उबालकर खाते हैं टैपी ओका को क्या कहते हैं कपे नाम भी पूछा है सीटेट में पूछा है कि टैपी ओका को और किस नाम से जानते हैं तो उसी को क्या कहते हैं कप्पा कहते हैं और टैपी ओका जो होता है जमीन के नीचे उगाया जाता है यह भी आपको याद रखना है यह एक क्या होता है फल होता है और इसे कैसे खाते हैं उबाल कर खाते हैं अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि माँ की बड़ी बहन आपकी क्या लगेगी मौसी वहां पे मौसी को बिलियम्मा कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को केरल में क्या कहेंगे बिलियम्मा हाँ बड़ी अम्मा ठीक है सही है बड़ी अम्मा कहेंगे कम से कम याद तो आएगा नानी को क्या कहेंगे अम्मूमा मतलब अम्मी के माई ठीक मतलब मम्मी के मा, मम्मी की माँ अम्मूमा यानी नानी हो गया चाचा और चाची चाचा को चिटप्पन कहेंगे बहुत सही चीज लिखा है चाचा का एकदम सही रोल लिखा गया है चिटप्पन बाद में दिक्कत करेंगे और चाची को कहेंगे कुंजम्मा क्या कहेंगे चाची वाला तो ठीक कुंजम्मा कुंजम्मा लेकिन चाचा को क्या कहेंगे चिटप्पन कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और पिता को क्या कहेंगे अप्पा तो देखिए देखिये का को हम लोग कह रहे थे कप्पा और पिता को क्या रहे हैं अप्पा कह रहे हैं केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं क्योंकि मसाले की जितनी भी चीजें होती हैं काली मिर्च इत्यादि ज्यादातर कहाँ से मिलती हैं केरल से यहाँ तेज पत्ता काली मिर्च इलायची आदि को उगाया जाता है यहाँ केले के फूलों से सब्जी एक क्वेश्चन भी पूछा है देखिए जहां से पूछा है वहां से खूब पूछा है जैसे असम से पूछा है तो असम से खूब पूछा है केरल से पूछा है तो खूब पूछा है कि केरल में फूलों से सब्जी बनाई जाती है केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं ठीक है और टैपियो का भी होता है फिर आ जाएगा धाबी ये संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई का जो एक क्या है देश है शहर है धाबी देश जो है रेगिस्तानी इलाके में है यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है अरबी है यहाँ बारिश नहीं होती ना ही यहाँ पे नदियाँ हैं ना ही यहाँ पे तालाब है इसलिए यहाँ पर पानी बहुत कीमती है तो यहाँ पे खाना के साथ पानी थोड़ी नहीं चलता है यहाँ खाना के साथ बियर चलता है ठीक क्या चलता है बियर वास्तविकता है सही चीज है क्योंकि बियर वहाँ पे सस्ता है और पानी महंगा है यहाँ रेतीली जमीन के नीचे क्या पाया जाता है तेल पाया जाता है यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ रुपए को क्या कहते हैं देखिए यहाँ पे एक खजूर वाली विशेषता भी पूछा है आपके एग्जाम में ठीक है इस रुपए को भी पूछा है कि अबुधाबी देश के रुपए को क्या कहते हैं तो दिरहम आपके सिलेबस में यही है तो ऐसा नहीं का। और सारे देशों का हम रुपये याद करने लगे ठीक है नहीं बस ये कम से कम याद करिए कि अबुधाबी देश के रुपए को क्या कहते हैं दिरहम कहते हैं अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है हरियाणा में हम लोग आ गए तो यहाँ पे मिट्टी के घर गोबर से क्या किए जाते हैं लिपे जाते हैं हरियाणा में एक सोहना गांव पूरे भारत देश में हरियाणा में एक सोहना गांव है यहाँ पर मिट्टी के घर हैं और यहीं पर केवल गोबर से क्या होती है लिपाई होती है यहाँ पे गोबर से लिपाई हो रही है खटिया भी यहाँ पे है खटिया पकड़ के लिपाई हो रही है कि कहीं लिपते लिपते उल्टे गिर ना जाए ठीक लिपाई की जा रही है क्योंकि गोबर की लिपाई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोबर की लिपाई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता अब फिर देखिए यहाँ पे यहाँ की छतें लकड़ी के फट्ठों से बनती हैं लकड़ी के जो पटरे होते हैं उसी पटरों से हरियाणा के छत बनते हैं फिर इनके ऊपर नीम व कींकड़ की लकड़ियाँ बिछा दी जाती हैं और नीम की लकड़ी बिछाने का मतलब आप समझी गए होंगे ताकि इसमें कोई भी कीड़ा न लगे तो आप याद रखेंगे कि यहाँ की जो छते होती हैं लकड़ी के फट्टों की बनाई जाती है कहाँ की छतें हरियाणा की और उस छत पे नीम व किंकड़ की लकड़ियां थोड़ी थोड़ी रख दी जाती हैं बिछा दी जाती हैं ताकि लकड़ी में कोई कीड़ा ना लगे और वही जहाँ पे गोबर की लिपाई हो रही थी उसी गांव को क्या कहेंगे सोहना तो सोहना से अगर दिल्ली आपको जाना है तो बीच में गुड़गांव आप ब्रेक ले सकते हैं ठीक तो यहाँ पे देखिए लकड़ी के फट्ठे हैं ना इसके भी छत बहुत मजबूत होते हैं मजबूत लकड़ी के होते हैं उसके बाद कर्नाटक है बस दो एक और होगा मुझे लग रहा है खत्म है नहीं हो रहा है कर्नाटक कर्नाटक है यहाँ पे एक गांव है कौन सा गांव होलगुंडी गांव यहाँ का देखिए भीमा संघ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये बच्चों का ही संघ है यहाँ पे देखिए बच्चों का संघ है लेकिन सरकारों को भी यह भीमा संघ हिला देता है कोई भी काम अगर बच्चों से संबंधित है तो भीमा संघ का आदेश जो है किसी ना किसी तरीके से लेना पड़ता है कर्नाटक में एक होलगुंडी गांव है यहाँ की पंचायत में बच्चों के साथ बच्चे भी रह बड़ों के साथ बच्चे भी रहते हैं इन बच्चों की पंचायत को ही हम क्या कहते हैं भीमा संघ के नाम से जानते हैं तो आपको बस ये याद रखना है कि भीमा संघ कहाँ का है कर्नाटक का है इसमें बच्चों मतलब बड़ों के साथ बच्चे भी रहते हैं फिर गुजरात आ गया गुजरात के उधियों को अभी हम लोग क्या किया था पढ़ा था तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं उड़ीसा उड़ीसा देखिए उड़ीसा में काला हांडी जगह है। क्या है काला हांडी जगह है जहाँ भुखमरी की समस्या है सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है डेढ़ लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं यहाँ से कुछ भी नहीं आया है बस ये आया है काला हांडी जिले में सर्वाधिक क्या होता है चावल होता है तो चावल के लिए कभी कभी पूछता है कि कौन प्रसिद्ध है तो उड़ीसा या तो आता है या तो झारखंड आपके ऑप्शन आप में आ जाता है तो उड़ीसा झारखंड क्या करेगा याद रखिएगा और कहा ज्यादा पाया जाता है उससे नहीं मतलब हमारे एनसीआर में इन्हीं दोनों की चर्चा ज्यादा है इसलिए वही चीज फिर देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है कटक में है और कटक भी कहाँ पे है उड़ीसा में जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पे बांसों पर टीका घर होता है ऐसे घर कहाँ पे होते हैं असम में बर्फ के घरों को क्या कहते हैं इग्लू घुमंतु लोगों के घर टेंट में बने होते हैं उस टेंट को क्या कहते हैं रेबो नाव पर बने मकान को क्या कहते हैं हाउस बोट ऐसे घर कहाँ पे थे जम्मू कश्मीर में कि श्रीनगर श्रीनगर में थे पत्थर के घर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं इनकी छतें कैसी होती हैं ढलवा होती हैं यह कहाँ पे थे कश्मीर में बिना दीवार के घर अमेजन की जंगलों में पाया जाता है और रेंडियर की खाल के घर उत्तरी ध्रुवी स्थानों पर कुछ चार चरवाहे रेंडियर की खाल के घर यानी टेंट में रहते हैं इसके बाद ये नव डम घर, नवडम घर अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य के गीली मिट्टी की मोटी दीवार के बनते हैं लोग बाहरी दीवारों को सब्जियों के रसों से क्या करते हैं लेपते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता है ठीक है कि मतलब किस प्रकार के घर ऐसे हैं जिनके दीवारों को सब्जियों को के रसों से क्या करते हैं लेपते हैं ठीक है तो उस घर को क्या कहते हैं नवडम कहाँ पे पाया जाता है अफ्रीका में हवा भरे घर बाढ़ भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये सब नहीं पूछता तैरते हुए घर ये सब भी आपको नहीं पढ़ना है आप कंफ्यूज हो जाएंगे सांप बिल में रहते हैं लेकिन किंग कोबरा पक्षियों के घोसले में ये भी पूछता है कि सांप तो ऐसे कहाँ पे रहते हैं बिल में लेकिन किंग कोबरा सांप जो होता है वो पक्षियों के घोसले में रहता है फिर देखिए ट्यूपिक आवास तो एक तो हम लोग पढ़े थे इग्लू इग्लू में भी कौन रहते हैं Eskimo, वैसे ही ट्यूपिक आवास होता है उसमें भी कौन रहता है मुनसा उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का कालीन क्या है आवास ठीक है तो ट्यूपिक घर यही है देखिए टेंट वाली मच्छरदानी अब आ गई है यहाँ पर भी न तो यही है ट्यूपिक घर ठीक है तो उसी को आप मान सकते हैं ट्यूपिक घर